We want justice. 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 ऐसा नहीं इकोनॉमिक्स का पेपर लीक है, जितने भी यहाँ स्टूडेंट खड़े हैं उन सबको पता है कि मॉर्निंग के दिन हर ट्वेल्थ का पेपर उनके पास आ चुका है। ओके, तो मॉर्निंग आप मुझे बोल रहे हैं कि हर पेपर वाले दिन आप लोगों के पास ऑलरेडी सुबह से पेपर बच्चों के पास पेपर थे। अच्छा, और अकाउंट्स का पेपर लीक था। अगर इकोनॉमिक्स का पेपर उसी दिन लीक हुआ और न्यूज में भी चल रहा था, फ्लैश हो चुका था CN18 पे भी और हर जगह भी कि इनके पास पेपर है, तो आप उसी दिन समय कैंसिल करते ताकि सारा डिसीजन फेयर होता। अब वो बच्चे बड़े परेशान हैं, 10 से तब दोबारा पेपर होगा, वो आफ्टर द 16 होगा क्योंकि 16 तक तो डेट शीट है और 28 को बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम है IP के आफ्टर 28। तो इसकी क्या गारंटी है कि CBSE उस पेपर को इस तरीके से रखे, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसको इस बात का टेंशन है कि ये पेपर जो है बहुत मुश्किल आने वाला है, कैसे आने वाला है, क्या होगा, कौन जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे उनको कौन रीटेस्ट दोबारा मानना है। आप लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक है। मयंक, हाँ जी। तो आप लोग क्यों आए हो यहाँ पर? CBSE का पेपर दोबारा हो रहा है, इको का दोबारा हो रहा है। हाँ, क्या कहा है दोबारा होने का? लीक हो गया था लेकिन हमारे पास तो आया नहीं था, हमने तो अपनी पूरी मेहनत से दिया था। तो आप क्या चाहते हो आप लोग? कि पेपर दोबारा ना हो, यहाँ तो हो तो सारे हो। हो तो सारे हो और नहीं तो हो ना। नहीं हो। क्या नाम है आपका? नाम मेरा गुरजीत है। यही इको का पेपर लीक हो गया था 12th का, तो उसकी वजह से दोबारा हो रहा है। तो कैसे इसमें आपको लीक हुआ है? ये न्यूज़ में आया था कि उसी दिन आ गया था लीक हुआ है पेपर, तो इसमें बच्चों की तो गलती, हाँ उसमें बच्चों की तो गलती नहीं है, वो तो पूरी मेहनत करते हैं अपने पेपर देने में। कोई CBSE का बंदा ही होता है जो पेपर लीक करता है, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए और पेपर दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर हो तो सारे हो, नहीं तो कोई ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस। पारस, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 12th में। 12th में तो आप यहां क्यों आए हो, यहां पर क्या कारण है? सर, जैसे कि 12th का पेपर लीक हुआ था, पेपर मैथ्स का भी लीक हुआ, बायो का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, यहाँ तक BSc का भी हुआ। तो सर साइंस का भी हुआ और बायो का पेपर हुआ बाद में इको के। तो 10th का पेपर जैसे लीक हुआ, अब हमें ये समझ नहीं आ रहा पेपर आएगा इजी आएगा हार्ड आएगा, चेकिंग भी हार्ड होगी। एवरेज पेपर सर हमें नहीं लगता CBSE देगी, और इतना बड़ा डिसीजन उनको लेना नहीं चाहिए था, बिकॉज सर ये तो है नहीं कि 100-200 बच्चे पेपर दे रहे हैं, बहुत ही लाखों में बच्चों में पेपर दे रहे हैं, और अब 28 को IP का वो भी है, एंट्रेंस भी है। तो सर 24th को डेट आई है, तो सर पेपर की हम तैयारी कहाँ करें? पहले हम फिजिकल की टेंशन ले रहे थे, जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनको भी टेंशन है, तो सर ये बिल्कुल गलत है। सर इनसाइडर्स ने पेपर लीक करा है, हमने कोई CBSE का कोई स्टूडेंट्स है ही नहीं। सर पेपर कहाँ लीक हुआ है, कुछ मालूम पड़ा? सर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे सर पेपर लीक हुआ है और पेमेंट सर पेटीएम से गई है। पेपर कभी कोई स्टूडेंट लीक नहीं कर सकता है। अगर CBSE वहाँ से लीक होता है तो कोई ऑफिशियल्स की वजह से लीक हुआ है, ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट उनके पास पेपर नहीं है। पर जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे उनका सारा विश्वास उतर चुका है कि क्या अगला पेपर भी लीक नहीं होगा, क्या एजुकेशन सिस्टम में आने वाले समय उसके दिमाग में क्या चलेगा, वो कोई भी एंट्रेंस देगा उसको ऐसा लगेगा ये पेपर भी लीक हो सकता है। तो इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं, ऑफिशियल्स की गलती है कि जो उनके ऑफिस में बैठ के उन पेपरों को लीक कर रहे हैं, उन स्टाफ की गलती जिनका पेपर जाता है। अगर वो, मेरा नाम रोहित है सर, तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो रीटेस्ट है या तो CBSE इसको कन्फर्म करे कि बहुत उसको उसी पैटर्न पे रखा जाएगा। अगली बात, जिन लोगों ने हार्ड वर्क किया है और 28 तारीख को दोबारा जो रीटेस्ट है या 28 मार्च अप्रैल से बच्चों का IP के एंट्रेंस का एग्जाम है, तो उनकी प्रिपरेशन कैसे होगी? जो नया सेशन है, मैं एक ट्यूशन चलाता हूँ, इंस्टीट्यूट सेंटर है मेरा, उसमें मैं खुद इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। मैं ये मांगना करना चाहता हूँ कि अगर हमारा बैच 26 को बच्चों का पेपर होने के बाद खत्म हो गया, तो 1 अप्रैल को हम नए स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, तो पुरानों को कहाँ बैठाएंगे? और उनकी जो कन्फ्यूजन है अब और ज़्यादा
बढ़ जाएगी कि सर पेपर और कितना टफ आएगा। सो मैं एज अ स्टूडेंट के नाते से मैं सोच रहा हूँ कि वो क्या चीज़ सोच सकते अपने दिमाग में। अगर ये पेपर है तो कोई स्टूडेंट उसको लीक नहीं करेगा, उसको जो है किसी ऑफिशियल ने लीक किया है। मैं ये नहीं कहता कि वो स्टूडेंट है या कुछ भी है, हम सोल्यूशन या तो ये इस डिसीजन को वापस लिया जाए। और पेपर एक नहीं, अकाउंट्स का भी आप न्यूज़ में फ्लैश कर सकते हैं कि उसमें आया था थोड़े दिन पहले कि वो भी लीक था। तो या तो सारे पेपर को कैंसिल कर दो, फिजिक्स और बायो का भी है, बच्चे हैं इनके पास उनका भी पहुंचा, मैथ्स का भी आया, पेपर आने वाले वो भी बच्चों के पास आ चुका है पेपर, पॉलिटिकल साइंस का वो भी पेपर 2000 में बिक रहा है, 2-3 हज़ार में पेपर बिक रहे हैं सर, अभी पॉलिटिकल का आने वाला है तो भी पेपर बिक रहा है। अगर लीक हुए तो सारे करो ना, आप इकोनॉमिक्स और मैथ्स का क्यों कर रहे हो? आप अपनी गलती मानो कि सारे पेपर लीक हुए, रिकंडक्ट करो सारे एग्जाम, आप खाली दो पेपर का क्यों कर रहे हो? इकोनॉमिक्स का सुबह पेपर लीक हुआ, सबको पहुंच चुका था, न्यूज में भी फ्लैश था एक दिन पहले, तो आप उसी दिन उसको कैंसिल करते ना। सर हैंड रिटन पेपर आया, क्या नाम है आपका? अदीबा। क्या? अदीबा। अदीबा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? हम प्रोटेस्ट करने आए हैं कि CBSE जो रीटेस्ट कर रही है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमने पेपर लीक नहीं किया, CBSE की किसी ऑफिशियल ने पेपर लीक किया था, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। द पुलिस कैन इजीली फाइंड आउट हु आर द वंस हु गॉट द लीक पेपर, और सिर्फ उनका रीटेस्ट होना चाहिए ना। हमने पेपर लीक नहीं किया, दिल्ली में ऑलमोस्ट 26 लाख स्टूडेंट्स हैं और उन सबको पनिश किया जा रहा है फॉर समथिंग दैट दे हैव नॉट डन। तो आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहती हैं? हमारी ये मांग है कि पुलिस देखे कि किस किस को लीक पेपर मिला है, पुलिस कैन इजीली डू इट, और सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रीटेस्ट किया जाए, और जिसने पेपर लीक किया है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और CBSE का जो सिस्टम है वो एफिशिएंट बनाया जाए, क्योंकि CBSE इज करप्ट। बहुत बड़ी विडम्बना है कि पूरे देश के अंदर हाहाकार मच रहा है, यहाँ स्टूडेंट भी अपनी मांगों को लेके आए हैं, अभी इकोनॉमिक्स का और 10th का और मैथ का पेपर लीक हुआ है, और ये अभी स्टूडेंट बता रहे हैं कि पेपर सारे लीक हुए हैं, लेकिन ये दो पेपर हाईलाइट हुए हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। अमन जी आप यहाँ क्यों आए हैं? सर देखिए, जब से काफ़ी टाइम हो गया, जब से गवर्नमेंट आई है शिक्षा के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं, और हाल ही की जो घटना है, कभी SSC के पेपर लीक हो रहे हैं, 10th और 12th CBSE के पेपर लीक हो रहे हैं, ICSE के पेपर लीक हो रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग तो पेपर लीक करते नहीं हैं, पेपर लीक करते कौन है? पेपर लीक वो लोग करते हैं जो अधिकारी हैं, वो अपने बच्चों के लिए, वो अगर किसी को पैसे में पेपर देते हैं वो क्यों देते हैं? हम तो पढ़ाई करते हैं, हमारा क्या कसूर है? हम पढ़ते हैं, हमारा कसूर क्या है? हम ये जानना चाहते हैं, हम इसलिए आए हैं कि कोई तो जिम्मेदारी ले इसकी। अभी सरकार का अब तक कोई बयान नहीं आया है, हम जानना चाहते हैं कि हम कहाँ जाएँ, हम क्या करें, हम तो पढ़ाई करते हैं, हमारा कसूर कहाँ है? अब क्या मांग है अमन जी आपकी? हमारी मांग ये है कि जवाबदेही तय हो, जिसने ये किया है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उसने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसके ऊपर अगर 124A लगे तो वो भी लगाई जानी चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं अगर 124A लगे वो भी लगाई जानी चाहिए, और उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और ये सरकार हमें आश्वस्त करे कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे स्टूडेंटों के अंदर, छात्रों के अंदर रोष है कि जो पेपर लीक हुआ है, और बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ साथ वो बड़े एक आशा होती है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, और एट ए टाइम ये हो जाए कि पेपर लीक हो गया। ये हकीकत, अमन कुमार ने सही बात बताया कि पेपर लीक करने वाला कौन है? ये बच्चे पेपर तैयारियाँ करते हैं, तैयारी करने के बाद अच्छी मेहनत करते हैं, और फिर वो पेपर लीक हो जाता है। लीक करने वाले कौन है, कहाँ छपते हैं पेपर, ये सब सरकार को मालूम है, और सरकार के अधिकारियों को सबको मालूम है। We want justice! 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 We want justice
CBS News was the